लोगों के द्वारा लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, अगर आपको पता है कि एकता इंसिडेंट है, बट इस इंसिडेंट में पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरी कम्युनिटी का मसला नहीं है। यहाँ पे हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो कल्प्रेट होते हैं, जो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करने की या गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके लिए कड़ा एक स्टेप उठाना चाहिए, एक पनिशमेंट होनी चाहिए। देखो अगर हमारा पूरा, हम कहते हैं हम सब एक हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ पे अलग अलग कानून क्यों हैं? अगर यूपी और एमपी पे अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसके पेरेंट का कंसेंट माना जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा एक रूल बनना चाहिए कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो ये एक पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए। और एक सरासर ये बहुत एक बड़ा, मतलब एक हम शर्मनाक हादसा कह सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को मोटिवेट करके एक थ्री प्लस, मतलब एक तीन गुना ज्यादा एज के इंसान से मैरिज करें, क्योंकि छोटा बच्चा है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं। पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है कि इस चीज के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमें मैं बार बार आपको यही कहूंगी कि हमें कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। आज हमारी कम्युनिटी के साथ हो सकता है, कल हिंदुइज्म में हो सकता है, मुस्लिम के साथ भी हो सकता है, पर हमारे कहने का मतलब है जो गलती करते हैं उन कल्प्रेट्स को पकड़ के पनिश करना चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए। क्या लगता है प्रशासन अभी चुप बैठी है? प्रशासन को इसमें एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि विवाद जो है वो काफी बड़ा है और दो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी लीनियंसी कहीं ढीला रहता है। जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एक महीने में चार बच्चियां वहां से, जो सोर्सेस बता रहे हैं ऐसा हुआ है, तो गलत चीज है। आज हमारी कम्युनिटी के साथ है, कल किसी और कम्युनिटी के साथ होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करे या केंद्र की सरकार करे, एक ऐसा रूल बनाए कि अगर कुछ ऐसा कुछ छोटा भी है तो वो पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनको ऐसी मॉरल वैल्यूज देनी चाहिए कि वो आगे जाके ऐसे कदम ना उठाएं। देख सकते हैं जी, देखिए जी, जैसे पंजाबी जिस तरह का इंसीडेंट हूँ श्रीनगर दे विच होया है कि एक 18 साल दी बच्ची नू मोटिवेट करके उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, उसनू शादी ले मजबूर किया और उसनू बिल्कुल अपने नाल लै गए। इस तरह के इंसीडेंट बड़े ही शर्मनाक हैं और असी मानने मोदी जी नू प्राइम मिनिस्टर जो साढ़े हैं उन्हें अगे अपील करते हाँ कि इस तरह के इंसीडेंटा के उपर कड़ी नज़र रखन। साडा एक देश जड़ा है उत्थे अलग अलग कानून क्यों हैं, जद असी हिंदुस्तान के बछिंदे हाँ और ये जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, तो यूपी दे विच और जम्मू कश्मीर दे विच अलग कानून क्यों हैं, जबकि हर जगह हर स्टेट दे विच एक ही कानून होना चाहिए है। दूजा नंबर, हर कम्युनिटी दे विच कुछ शरारती अंसर होंदे हैं जेड़े कि ये जड़े घटना जड़ियाँ हैं उसनू अंजाम देंदे हैं। सिख धर्म का तुहानू पता है कि हमेशा ही औरतों की बेपत होने तो बचाते रहे हैं। पहले हिंदू धर्म दियाँ कुड़ियाँ तो उन्होंने बेपत होने तो बचाया, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म की कुड़ियों बेपत होने तो बचाया। अज कुछ शरारती अंसर जड़े वो सिख धर्म की कुड़ियों उसना दी इज्जत नू बेपत होण करन ते मजबूर कर रहे हैं। ते मैं प्रशासन अगे यही अपील करांगा कि इस दे उपर कड़े तो कड़ा कानून बनाया जाए और कानून इस तरीके का बनाया जाए कि जिस तरह यूपी दे विच है कि जिसले भी कोई इंटर रिलीजन मैरिज होंदी है तो उस दे विच उदे मां प्यो दी जिहड़ी कंसेंट है वह जरूरी है और इत्थे भी उही होना चाहिए है।
दूजा नंबर हर धर्म के लोगों मैं यही कहना चाहवागा असी किसी कम्यूनिटी के खिलाफ नहीं हाँ जेडे शरारती एलीमेंट्स हैं उन्होंने पहचानिया जाए और उन्होंने उपर ठल पाई जाए ताकि अगे तू ये जोड़ा घारा है ये दोबारा ना वापरे और साड़ी अणख और गैरत न ललकारिया ना जाए असी अज जिहड़ा प्रोटेस्ट किया चट्ठे करन बाग सानू मजबूर किया जाता हमेशा साड़ी मजबूरी का इन्ना सियासी लोगों ने यह नजायज़ फायदा उठाया असी कभी भी किसी धर्म को माड़ा नहीं बोलते हिंदू धर्म मुबारकबाद मुस्लिम धर्म मुबारकबाद असी अपने धर्म की जंग लड़ रहे हाँ क्योंकि मैं ये मीडिया के राही इकबानी चैनल के राही इस सरकारे रियासत जम्मू कश्मीर अते डीजीपी जम्मू कश्मीर नूं यह बेनती करता हाँ कि सोशल मीडिया में जिन्हें भी कमेंट मुस्लिम कौम के खिलाफ हिंदू कौम के खिलाफ या सिख कौम के खिलाफ पाए जाते हैं पहले सब तो पहला नकेल उन्होंने पाई जाए उन्होंने कमेंट्स के दौरान ये जड़ा मतभेद पैदा होता है यूपी का कानून अलग जे एंड के स्टेट का कानून अलग हिंदुस्तान एक भारत देश एक अलग अलग स्टेटा विच अलग अलग राज्यों विच अलग अलग कानून क्यों अगर यूपी विच कानून अलग है रियासत जम्मू कश्मीर विच कानून अलग क्यों साडा धर्म एक मनुखता का संदेश दिंदा है अते संदेश दिंदा आया है साड़ी जिहड़ी मनुखता की सेवा है जदों असी जान तली ते रखे साड़ी सिख वलंटियर तुरदे हन उदों इन्हां नूं अतवादी नहीं लगदे जदों साडे धर्म ते किंतू परंतू किया जाता है फिर सानू नक्सलवादी ते आतंकवादी करार दिता जाता है मैं एक बानी चैनल दे राही ये अपील करना चाहता डीजीपी जम्मू कश्मीर नूं कि जिहड़े सोशल मीडिया ते गलत मैसेज र्यूमर छड़दे हन सिख कौम के खिलाफ हिंदू धर्म के खिलाफ मुस्लिम धर्म के खिलाफ उन्होंने ज़्यादा नकेल पाई जाए उन्हें र्यूमरों के करके ये मतभेद अपना भाईचारा खत्म होंदा मेरी बेनती है डीजीपी जम्मू कश्मीर नूं इन्हों नकेल पाई जाए तो यह रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल होगी जी बहुत बहुत धन्यवाद दूजा पार्ट भी रिलीज हो गया नहीं होया कल अज देखिए ये जो इंसिडेंट श्रीनगर में हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है और सबसे पहले हम यही कहेंगे ये जो इंसिडेंट्स हुआ इसमें हम पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हर कम्युनिटी में 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो हमारा ब्रदरहुड खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है और ये कुछ शैतानी लोग ऐसे हैं जो हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ये उम्मीद अपील है कि हमें सोच समझ के चलना है। जिसने गलत किया है उसके बारे में हमें खिलाफत करनी है, ना कि पूरी कम्युनिटी को हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। और हमारी जो भी यहाँ पे हमारी जैसे एमपी और मध्य प्रदेश यूपी में है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज होती भी है तो वहाँ पे पेरेंट्स का कंसेंट होता है। हर जगह पे एक जैसे लॉ होने चाहिए और हमारी केंद्र की सरकार से यह अपील है कि जिन कल्प्रेट्स ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई आई हो सो दैट किसी भी कम्युनिटी का बच्चा या बच्ची आगे से ऐसे ना करे। ये हम सिर्फ सिख कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, आज हमारे साथ है, क्या पता कल आपकी बच्ची या बच्चा कोई गलत स्टेप उठाए। सो दैट एक ऐसा मैसेज आए सोसाइटी में कि कोई भी गलत चीज करने से पहले 100 बार सोचे। बाकी बच्ची का बच्चे का आनंद कर सिख धर्म के बच्चों नाल ही होना चाहिए है, बाकी धर्म का सानू कुछ नहीं पता। असी एक सिख होने के नाते ये जरूर अपील करना चाहते हैं इस गौरमेंट न रियासत जम्मू कश्मीर अते डीजीपी जम्मू कश्मीर नूं जेड़े भी सोशल मीडिया ते
ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਐਲ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। क्योंकि देखिए, अब कुछ लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ है। हम एक कम्युनिटी की आवाज बन के आगे नहीं आए, हम हर किसी की आवाज बन के आगे खड़े रहेंगे, खड़े हैं। सो मेरी आप सबसे ये अपील है कि रॉन्ग कमेंट करना बंद कर दे, क्योंकि आपके कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल आपको मुसीबत पड़ेगी। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है, एक गुलदस्ता है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो हमारे रिलेशन को खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं खिलाफ है हम, तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसी को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखना चाहिए कि आगे से कोई भी बच्चा बच्ची या कोई भी सोसाइटी में ऐसा काम ना हो। एक लड़का को जो है वो वापस कर दिया, लेकिन अभी भी एक लड़का पता नहीं है। तो हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को भी वापस लाया जाए, क्योंकि पिछले एक महीने से 4 एपिसोड ये हो चुके हैं। अब ये जो सोई हुई सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको अपने कान खोलने पड़ेंगे। ਸਿਕਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ 1947 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਟੈਕਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਗਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੇਬਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਆਈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ